गुड मॉर्निंग एवरीवन कंटिन्यूइंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक जब ब्रांचेस रिसीव कर रही हैं गुड्स हेड ऑफिस से एट कॉस्ट प्राइस और वो दोनों कैश और क्रेडिट सेल्स कर रही हैं तो अगर ब्रांच को ऑथराइज है कि वो गुड्स को सेल कर सकती है कैश में भी एज वेल एज क्रेडिट में भी तो जो हेड ऑफिस है जो हमने फर्स्ट मेथड में एंट्रीज की हैं वो एंट्रीज तो एज इट इज पास करेगा मतलब फर्स्ट मेथड जो हमने किया जहाँ पर गुड्स हेड ऑफिस सेंड कर रहा था ब्रांचेस को कॉस्ट प्राइस पर और वो सिर्फ कैश सेल्स कर रही थी वो वाली चीज यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में रिपीट होगी तो वो चीज के लिए एंट्रीज सेम एज इट इज होगी यहाँ पर जो चीज एड होगी एंट्रीज जिस चीज के लिए एड होंगी वो होंगी रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स तो रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स की जब हम बात करें तो अगर आपने क्रेडिट सेल्स की हैं तो आपके क्रिएट होंगे जब क्रिएट होंगे तो वहाँ पे तीन चीजें आती हैं कि ओपनिंग डेप्टर्स आपके कितने थे क्लोजिंग डेप्टर्स आपके कितने हैं और कितना कैश आपने डेप्ट से रिसीव किया तो बेसिकली यहाँ पर जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो हमें इन्हीं तीन चीजों की एंट्री जो है जो फर्स्ट मैथड है उस, उसमें ये तीन चीजें और ऐड हो जाएंगी हमारे सेकेंड मेथड के लिए तो पहला ओपनिंग बैलेंस चैप्टर्स का तो जब हम ब्रांच अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंसेस लिख रहे थे स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस लिख रहे थे या किसी और अदर एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिख रहे थे तो ये ओपनिंग बैलेंस चैप्टर्स का वहां चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस चैप्टर्स का क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे आ जाएगा आपका देन कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स ये अल्टीमेटली आपने सेंड तो कहा करना है ब्रांच को ही करना है तो आप क्रेडिट साइड पर लिख रहे थे जब आप कैश जो है जो भी आपने रिसीव किया है सेल से उसे सेंड कर रहे थे हेड uh, ऑफिस को तो ये कैश रिसीव फ्रॉम जो डेप्टर्स है वो भी आप क्रेडिट साइड पर ही ब्रांचेस के लिख, जो अकाउंट है उसमें लिखेंगे अब इसमें एक चीज और यहाँ पे देखिए इन चीजों के रिकॉर्डिंग एंट्रीज वही हैं ब्रांच अकाउंट डेबिट टू तो डेप्टर्स अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट अब इसमें एक चीज जो है uh, कि अगर आप जब डेप्ट से रिगार्डिंग uh, एंट्रीज आपने करनी है अगर ये तीनों चीजें चीजें जो हैं, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है इट मीन्स इनको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा

वो ऑटोमेटिकली उनका इफेक्ट यहाँ पर आ जाता है लेकिन अगर क्वेश्चन में आपका इन तीनों में से कोई आइटम गिवन नहीं है, इन तीनों में से एक आइटम मिसिंग है तो उस केस में हमें उस आइटम को निकालने के लिए एक अलग से ब्रांच टैप्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा इस केस में क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको गुड्स होल्ड ऑन क्रेडिट गुड्स रिटर्न डिस्काउंट ये, तो ये इनमें से जो भी मिसिंग आइटम है उस निकालने के लिए हमें ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट बनाना पड़ता है जहाँ पे हम इन सभी चीजों का इन सभी एंट्रीज का इफेक्ट देंगे और उसके बाद हमारी मिसिंग आइटम निकलेगी तो इस मेथड के अंदर जो भी आपकी अः मिसिंग आइटम्स है उसको निकालने के लिए ब्रांच डेप्ट अकाउंट बनेगा तो ब्रांच अकाउंट कैसे बनता है देख लेते हैं हम डेबिट साइड में हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस डेप्टस का अगर गिवन होगा तो लिख देंगे अगर गिवन नहीं होगा तो इट मींस वो हमारा मिसिंग फिगर है तो बाकी आइटम्स को लिखने के बाद जब हम दोनों को बैलेंस करेंगे तो वो मिसिंग फिगर हमारा निकल जाएगा तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे क्रेडिट सेल्स का जो बैलेंस है वो आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा क्रेडिट सेल्स जितना आपने किया उसका अमाउंट जो है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में कैश रिसीव फ्रॉम डैプター अगर गिवन है तो लिख देंगे अदरवाइज नहीं तो वो बैलेंसिंग फिगर आपकी निकल जाएगी देन बैड डेट्स बाय सेल्स रिटर्न बाय डिस्काउंट अलाउड बाय अलाउंस अलाउड

ब्रांच आपको बनाना पड़ेगा तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है हो सकता है क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी इफेक्ट नहीं देना है सिर्फ इन तीन चीजों को आपने डायरेक्टली ब्रांच अकाउंट में लिख देना है अगर इन चीजों में से इन तीन चीजों में से कोई चीज मिसिंग है तो उस केस में होगी मिसिंग एक ही चीज तो ये दो चीजें लिखकर जो तीसरी मिसिंग चीज है उसका बैलेंस निकालने के लिए आपको इन चीजों को इफेक्ट देना पड़ेगा और उसके लिए आपको ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा तो ये है ब्रांच अकाउंट जो इस क्वेश्चन में एक आइटम और आ, एक जो अकाउंट है वो एड हो जाता है तो अब नेक्स्ट जो चीज है गुड्स इन ट्रांसेक्ट कई बार जो हेड ऑफिस है गुड्स सेंड करता है ब्रांच को लेकिन वो ब्रांच तक पहुंचती नहीं है जब तक जो क्लोजिंग डेट है आपकी अकाउंट्स की उस डेट तक ब्रांच के पास वो गुड्स नहीं पहुंची है तो उन गुड्स को हम गुड्स इन ट्रांजिट कहते हैं उसके लिए हम हेड ऑफिस की बुक्स में क्या एंट्री पास करते हैं गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू

उजेंड कर दिया गुड्स इन ट्रांसिट है सेम को हम क्रेडिट साइड पर भी दिखा देंगे बाय गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट ट्वेल्व थाउजेंड ताकि जो उसका इफेक्ट है बैलेंस हो जाए नेक्स्ट तो हम क्वेश्चन करते हैं सेकेंड मेथड का जब आपके जो डेप्ट एट द एंड

अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें आ, हमारा क्या, आ, सिर्फ कैश सेल्स की जा रही हैं या क्रेडिट सेल्स वाली भी हैं क्वेश्चन में देख लीजिए आइटम्स गिवन है हमारे पास डेप्टर्स की आइटम गिवन है क्रेडिट सेल्स की आइटम्स गिवन है मतलब जो सेकंड मेथड है दैट इज कि आपने गुड सेंड की है एट कॉस्ट प्राइस और आप बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं वो वाला मैथड आपको यहाँ पर फॉलो करना है तो ओपनिंग स्टॉक हमारा गिवन है ओपनिंग डेप्टर्स गिवन है आपके

करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू अब देखिए हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपके डेप्टर्स तो गिवन है यहाँ पे हमें आइटम्स जो गिवन है उससे पता चल रहा है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्वेश्चन में कि जो हमारी तीन आइटम्स हैं रिलेटेड टू वो मिसिंग है हमारे पास ओपनिंग डेप्टर्स गिवन है कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स गिवन है लेकिन हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस डेप्टर्स का गिवन नहीं है इसका मतलब हमें ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले हम ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया है एटीन थाउजेंड

गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर मतलब आपका सेल्स रिटर्न हो गया Then, दोनों साइड्स को हमने बैलेंस किया तो हमारे पास क्लोजिंग डेप्ट की फिगर आ गई अब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे जैसे ओपनिंग स्टॉक uh, का बैलेंस आ जाएगा हमारा डेबिट साइड पर टू ओपनिंग स्टॉक बैलेंस डेपट का ओपनिंग बैलेंस आ गया दे रिसीव बाय ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट टू लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड गुड्स रिसीव बाय ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस टू लैख टेन थाउजेंड है यहाँ पर और यहाँ पर गुड्स इन ट्रांसिट ग थाउजेंड तो आ, यहाँ पर देखिए लेकिन हमने अमाउंट क्या लिखा है टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कहा से आया यहाँ पर जो गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस है टू लैख टेन इसमें हम ऐड करेंगे जो गुड्स इन ट्रांजिट है 15,000 का तब हमारा ये अमाउंट यहाँ पर आएगा जैसे हमने ऊपर अभी देखा कि अगर गुड्स इन ट्रांजिट गिवन है तो हम उसकी एंट्रीज कैसे उसका इफेक्ट देते हैं तो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू गुड्स इन ट्रांसिट फिफ्टीन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया आपका टू लैख

बैलेंस सीडी स्टॉक का अकाउंट और यहाँ पर जो हमने क्लोजिंग डेप्टस का बैलेंस निकाला था तो डेप्टस अकाउंट में चला गया देन गुड्स इन ट्रांसिट का इफेक्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं तो जब आप दोनों को बैलेंस करेंगे तो टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा तो ये था हमारा सेकेंड मैथड नेक्स्ट जो हमारा मैथड है कि जब आप गुड्स सप्लाई कर रही है हेड ऑफिस ब्रांच को एट इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में तो फर्स्ट टू क्वेश्चन फर्स्ट टू मैथड्स के साथ फर्स्ट जो आपका मैथड है वो कम्प्लीट हो गया थैंक यू सो मच